ये देखो आप, ये मैंने बैग खोला ना कि इसमें क्या है, तो इसमें तो सारे मेरे जैसे ही डेली यूज के कपड़े हैं, चीजें हैं, जैसे विहान का पाउडर है, तो ये सामान तो मुझे अभी घर में यही सेट करना पड़ेगा। तो मैं ये फटाफट ऑफ कैमरा कर लेती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। तो जी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं इस घर की आज बिल्कुल काया पलट करने वाली हूँ इस वीडियो में। आप देखोगे ना, आप हैरान रह जाओगे, आपको लगेगा अरे वाह निधि ने क्या कर दिया, आज तो कमाल कर दिया। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ना पुराने कपड़े मम्मी ने छोड़े थे, याद है आपको, बहुत टाइम पहले की बात है, आई थिंक महीना पहले ना, मम्मी ने कहीं 2-3 गठड़ियाँ यहाँ पर रख जाती थी मम्मी, आपको शायद याद आ रहा होगा। तो ये गठड़ियों में क्या था कि काफ़ी पुराने कपड़े थे, मम्मी ने कहा था कि ये जो जितने भी गठड़ी में सामान है इनका पोचे में यूज कर लेंगे जैसे सफाई डस्टिंग के लिए, पर मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना, इसमें इतने सारे कपड़े हैं पुराने, ऐसे तो ना मतलब पुराने कपड़े तो घर से निकलेंगे ही नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं रसोई खाली कर देती हूँ, और नीचे ना सीमेंट तो अभी निकलता है, इसको तो देखो जैसे ही हम झाड़ू मारते हैं ना तभी थोड़ा सा ये सीमेंट अभी ऐसा है, दिक्कत है। तो आने वाले दिनों में जब भी टाइम लगेगा, जैसे हो पाएगा, हम एक बार सफ़ेदी पेंट तो करवा ही लेंगे, आगे दिवाली से पहले ही करवा लेंगे। आई थिंक इस बार 4 नवंबर की है ना दिवाली, और 3 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है। मेरा ना जन्मदिन हमेशा त्यौहारों के बीच में आ जाता है, कभी धनतेरस होती है या फिर कभी छोटी दिवाली आ जाती है, कभी भैया दूज आ जाती है, कुछ ना कुछ मेरे जन्मदिन पे रहता ही है। तो हमेशा से ही छुट्टी मिल जाती थी मुझे ना मेरे स्कूल में, मैंने बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपना जन्मदिन मनाया है। बहुत से बच्चे ऐसे होते होंगे ना जिनका गर्मियों की छुट्टियों में जन्मदिन आ जाता होगा ना। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम मैं पहले ना झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा रेता इकट्ठा हो गया था, तो मैंने कहा चलो फटाफट ये निकाल देते हैं, देखा नहीं जा रहा घर की हालत ऐसी ना। आप भी मुझे कमेंट करके बोल रहे हो, बार बार कह रहे हो कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी करो काम, तो मैं जल्दी ही निपटाती हूँ, ताकि मैं भी चाहती हूँ कि आपको ना घर बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, और मेरी आदत है कि मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ पहले, थोड़ा ऐसे ही हल्का हल्का ऊपर ऊपर से, लेकिन मैं 2 बार ज़रूर लगाती हूँ झाड़ू। आप से किसकी सी की ऐसी आदत है कि मतलब एक बार झाड़ू लगाने से ना ऐसा मन को संतुष्टि नहीं होती कि झाड़ू ढंग से लगाए। तो यहाँ पे चलो फटाफट लग के आज काम करते हैं, और फटाफट अच्छे से निपटाना है आज ना, फिनिश कर देंगे तो आज ही हो जाएगा सारा का सारा जितना भी है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो देखो कमरे में झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, अब हम थोड़ा सा कपड़े जो ये रखे हुए थे इनको थोड़ा सा हम निपटा लेते हैं। तो इन कपड़ों का मैं क्या करने वाली हूँ तो मैं बता देती हूँ, इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि बेड में डालने के लिए हैं, कुछ हैं जिनको ना अलमारी में रखने हैं, तो मैं फटाफट जिस हिसाब से इन कपड़ों को रखना है वो मैं देख लेती हूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना इन कपड़ों में चुन्नी ज़्यादा है ना, चुन्नी ज़्यादा है, और मैं चुन्नी तो एक ही जगह पे रखती हूँ दुपट्टे, ताकि मिल जाएं। तो हाँ, आप बार बार आप ये नोटिस करोगे कि इस वीडियो में ना मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रही हूँ। एक्चुअली मैं क्यों देख रही हूँ, देखो अभी देखा ना मैंने कैमरे की तरफ, तो मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि अभी ना ये नए घर में जैसे मैं शिफ्ट हुई हूँ, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है। जैसे हम कई बार क्या होता है कि ट्राईपोड लगा के रख देते हैं फ़ोन, तो मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मैंने फ़ोन सही से लगाया है नहीं लगाया है, तो उसी को देखने के लिए मैं बार बार ना कैमरे की साइड देख रही थी। और यहाँ पर मैं ना कैमरे की साइड देखते हुए मेरा ध्यान इतना उस साइड हो गया कि मेरे पैर पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, मेरे ना ये जो छोटी अलमारी है ये मेरे पैर के ऊपर लग गई थी। और यहाँ मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पे जो पड़ोसियों की मोटर है उससे पानी सारा नीचे देखो फैल गया, और मैंने कपड़े उठा के बाहर रखे थे कि चलो मम्मी से मैं पूछूंगी इन कपड़ों का क्या करना है, तो मैंने उठा के वो कपड़े बिल्कुल साइड में रखे। और यहाँ पे अब इन कपड़ों का हिसाब किताब हमें करना पड़ेगा, तो मम्मी से मेरी बात हुई थी तो मम्मी ऐसे बोल रहे थे कि जितने भी सफाई करते हुए तेरे को मेरे कपड़े दिखे उनको अलग रख दियो, मिक्स मत करियो, वरना मुझे फिर से खोलना पड़ जाएगा अपने कपड़े ढूंढने के लिए। तो मैंने मम्मी को कहा था कि ठीक है मम्मी मैं ऐसे ही करूँगी जैसे आपने बोला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सा एक बार और थोड़ा झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि थोड़ी मिट्टी जैसे ही मैंने ये खिसकाई थी ना अलमारी, छोटी वाली लकड़ी की अलमारी, तो थोड़ी नीचे ना मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। तो घर में रेता तो है काफ़ी ज़्यादा है, इसमें ना प्लास्टर होगा नीचे, प्लास्टर होने के बाद ये रेता ना गिरना बंद हो जाएगा, तो करवा लेंगे आने वाले टाइम में, जैसे भी टाइम लगता है कर लेंगे। चलो ये अच्छा है कि मेरी मम्मी विहान को संभाल रहे हैं उस घर में, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, आराम इन द सेंस कि चलो मैं निश्चिंत होकर फटाफट काम कर लेती हूँ, और आज सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा भी मुझे मिल रहा है कि मेरा काम ना अच्छे से जल्दी जल्दी हो रहा है आज। तो ये तो बात मुझे समझ आ गई कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती, मीन्स
मैं देखो ना खुद ही जाके मजदूरों से बात करके, जो मजदूर भैया थे मैं उनको ले आई थी, मैंने प्राइस की बात कर ली, फिर मैंने अपना सामान भी खुद ही मतलब उनको कह के उतरवा दिया, फिर यहाँ पे शिफ्ट भी करवा दिया, सारा सामान खुद लगवा दिया। मतलब पापा जी को तो मैंने सीधा, अभी तक मेरे पापा जी तो देहरादून चले गए, आपको पता है ना कि पापा जी तो देहरादून गए हुए हैं, तो उन वो तो आके देखेंगे या तो वो वीडियो में देख लेंगे कि हाँ देखो निधि ने, हम मतलब पापा जी के बिना हमने ना, पापा जी तो देहरादून में बैठे, हमने मम्मी और मैंने मिलके देखो सारी शिफ्टिंग कर ली ना, देखो कैसे हम सारा सामान ना कर रहे हैं ना, मैनेज बिल्कुल कर लिया। जैसे सुबह का टाइम होता है जब ठंडा ठंडा मौसम होता है, तब ना हम थोड़ी सी गठड़ियाँ छोड़ आते हैं इस घर में, और ज़्यादातर हम पता है शाम को 5:30 बजे लगते हैं काम में, पर आज तो मैं बता रही हूँ मैंने दिन में भी बहुत काम किया है, मैं दिन में भी उठा के सामान लेकर आई हूँ। तो ऐसे लालच सा हो जाता है मन में, सोचते हैं कि यार जल्दी कर लेते हैं काम, जल्दी निपट जाए, वरना ना मैं, आप यकीन नहीं मानोगे 3 दिन तो मेरे को हो चुके हैं मैंने अपने बालों में कंघी तक नहीं करी है, कंघी नहीं करी है मैंने मेरे बालों में। मेरे को ये हो रहा है पहले एक काम कर लूँ, सारा घर सेट हो जाए, उसके बाद आराम से अपना रख रखाव तो करती रहूँगी, बाद में ठीक से रह लूँगी। 2-3 दिन हो गए हैं यही टी शर्ट पहने घूम रही हूँ मैं, सिर्फ इस चक्कर में कि कोई होश ही नहीं है। मतलब जब आप शिफ्टिंग, मतलब आसान नहीं होती कि घर बदलना कहने में लगता है, लेकिन जब जिसके ऊपर पड़ता है ना ये चीज़ कि हाँ हमें घर बदलना है, सामान करना है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर चलो एक बात अच्छी है कि अब हमें बार बार घर नहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने बैग में सारी चुन्नियाँ रख दी है और मम्मी के 1-2 सूट भी डाल के रख दिए हैं और मैंने स्टोर में रख दिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं गद्दा बिछा रही हूँ, और हमारा ना गद्दा पता नहीं क्या है, मतलब ना वो स्टैंडर्ड साइज़, मतलब ये थोड़ा ना हमारा दीवान थोड़ा बड़ा है तो इस हिसाब से गद्दे छोटे हैं। तो जब मेरे पास पैसे होंगे ना आने वाले दिनों में, लगा लो जब भी 2-3 महीने बाद मेरे हाथ में कभी भी 10,000-15,000 रुपये इकट्ठे होंगे ना, जैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा है मैं खर्च सकती हूँ, तो मैं एक अच्छा सा ना रेडीमेड गद्दा ले आऊँगी इस दीवान के लिए, क्योंकि विहान को भी फिर आराम मिलेगा ना। यहाँ पे हम हाथ के बुने हुए जो रुई के होते हैं ना गद्दे, हम वो यूज़ कर रहे हैं, और मैं बेडशीट भी ख़रीदना चाहती हूँ 2-3 आने वाले टाइम में, जब भी हो पाएगा मैं वो भी करूँगी। तो घर को बहुत ही ब्यूटीफुली हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं बेडशीट काफ़ी अच्छे से लगा रही थी, मुझे था कि हाँ ढंग से लगाना है, वरना आप ही कह दोगे अरे ये कैसी बेडशीट बिछाई है। तो अब मैं आपको अपने घर का फाइनल मेकओवर दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको अपने घर की लुक दिखाती हूँ, इसे फाइनल बिल्कुल मत समझिएगा। एक बार तो ऐसा कर दिया कि मम्मी आके खुश हो जाए देख के ना घर, मैं 3-4 घंटे से लगी हुई हूँ यहाँ पे, ऐसे 1 मिनट का काम नहीं था ये, इतना कर दिया मैंने। देखो मैंने ढंग से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए जैसे यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं मैंने, ये हमारा कॉर्नर पे बेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आने वाले कभी अगली गर्मियों में कूलर सेट कर देंगे, कूलर अभी इसीलिए बाहर रखा है। और ये दोनों मैंने सामने ही लगा दिए, इसके अंदर तो आपको पता है हम राशन वगैरह सामान रखते हैं, तो वो अभी उस घर में है तो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी जो मेरी इसके बाद शायद अगली वीडियो जाए तो उसमें मैं आपको किचन दिखाऊँगी पूरा सेटअप करके, और भी काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर की रहती हैं वो करनी है अभी। और अलमारी भी देखिए सेट कर दी है, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ ढंग से, ये देखिए तय कर करके कपड़े लगा दिए, सामान ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ठूस ठूस के भरे गए हैं, ये सारा हो गया। अभी ये खाली है अलमारी, ये देखिए अभी इसमें अभी सामान आएगा तो मैं भरूँगी, और अभी किचन भी मैंने करनी है सेट, क्योंकि अगले कल से ना खाना यहीं बनेगा रसोई में, ये देखिए आप। तो जी कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, तो देखिए मैंने मेहनत करी तो आज कम से कम अपने बच्चे के लिए छत तो बना दी, कहने को तो है ना मेरे बच्चे के पास भी, मैं कह सकती हूँ कि हाँ मेरा बच्चा अपने खुद के घर में रह रहा है। एक सेकंड आपको एक ये पीछे का और दिखा देती हूँ पहले, फिर बात करते हैं। ये यहाँ मैंने पीछे फ्रिज लगाया है, और ये सामान तो आपको दिखाई दिया था, अभी सेट नहीं किया मैंने, एक मेज ले आऊँगी उस पर सामान आ जाएगा। और इस पैक में मैंने अभी के लिए चुन्नियाँ रखी है और कुछ मम्मी के सूट रख दिए हैं, क्योंकि मम्मी कह रहे थे मैं आके खुद देखूँगी मुझे कैसे मैनेज करना है। इसमें थोड़ा विहान का सामान है, सफाई कर दी, पेंटिंग्स वगैरह तो बाद में ही लग पाएंगी ना जब एक बार काम हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ही इस तरीके से दिख रहा है अभी, और
ये बाथरूम वॉशरूम है, अभी इसका काम नहीं हुआ। मैंने अभी के लिए ना जैसे कस्सी थी, खुरपी वगैरह यहाँ रख दी, क्योंकि विहान छोटा बच्चा है, कहीं अपने ना लगा लेना। तो ये मैं बाथरूम बंद कर दूंगी, फिर मैं पीछे लगाऊंगी इसको। अभी बाथरूम का तो काम हुआ नहीं अभी। और ये देख लीजिए एक बार, और आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक लग रहा है आपको? ये देखिए ऊपर का भी मैंने, अभी ये मत सोचिएगा ऐसे ही रखा है, मैंने एक बार के लिए रख दिया ताकि ठीक लगे। अभी मेरे को, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि मैं इनको कैसे जचाऊंगी। एक बार के लिए मैंने यहाँ पे देखिए सारी अपनी बुक्स रख दी हैं, और ये देखना बिस्किट का पैकेट यहाँ रखा है, इसको मैं अंदर रख देती हूँ। ये तो अंदर ही चला, इसमें ही रखूंगी अभी जाके। अब मेरे को घर में जाना है, क्योंकि मेरे को अभी विहान को संभालना है, और अपना और भी काम तो बहुत करने हैं। अभी 2 दिन हो गए हैं, मैं नहाई भी नहीं हूँ इस चक्कर में शिफ्टिंग के काम में, क्योंकि ना अभी बस कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। पर अब देखिए, टी शर्ट भी आपको दिख रहा होगा, वही पहन रखी है, मैं अभी बदल लूँगी जाके, देखती हूँ। तो आप देख लीजिए, देखो मैंने ना मतलब मेरे पास ना लाइफ में कुछ भी नहीं था जब सनी गुजरे ना, मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे पास एक, मैं अभी हमेशा मैं आप कहते हो फिर बार बार रिपीट करती है, बट हाँ मैं लेकिन सच कहती हूँ यार, कुछ नहीं था। एक 500 रुपये का नोट था, पता है कोई चीज़ भी खरीद रही होती थी तो ऐसे डर लगता था कि यार पैसे अभी खर्च हो जाएंगे तो कल को कहीं विहान को कुछ एकदम से कुछ हो गया, या कभी डॉक्टर के जाना पड़ गया तो मैं पैसे भी कैसे मैनेज करूंगी। क्योंकि एक लड़की जब शादी करके वापस घर आ जाती है ना मायके, फिर ना शर्म आती है माँ बाप से पैसे मांगते हुए बहुत ज़्यादा। ऐसे मतलब माँ बाप मना नहीं करते, वो लगाएंगे, मेरे को पता है मेरा बच्चा बीमार होगा, उसे हॉस्पिटल लेके भी जाएंगे, उस पर खर्चा भी करेंगे, लेकिन खुद को अजीब सा लगता है कि लगता है कि यार बोझ बने हुए हैं माँ बाप पे। तो मैंने आगे, लेकिन पता है ऐसे टाइम पे मतलब मेरे को कह देते थे कि यार पति गुजर रहा है, इतनी इतना स्ट्रोंग कैसे है लड़की, इतनी हिम्मत करके इतना काम कैसे कर रही है दी, मतलब कैसे संभल रही है। हाँ ये बात मेरे को बहुत तो ने बोली, मतलब कोई होता ना कि बहुत जल्दी संभलगी, भाई अगर जिम्मेदारियां कंधों पे हो ना तो जल्दी संभलना पड़ता है, क्या करें। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है मैं रात को रो के सोती हूँ, पर ये है कि कुछ भी किया हो काम में लगी रही, अपने बच्चे के लिए देखो नहीं बैठी, बिस्तरा नहीं पकड़ा। तो आज के टाइम में देखो, अपने पैसे से ये अलमारी खरीदी थी कि ज़रूरत का सामान हो जाए, छोटी अलमारी खरीदी, ये बेड मैंने खुद खरीदा, इसके अलावा ये जो आपको बाहर कूलर लग रहा है वो मैंने खुद खरीदा था, और ये फ्रिज भी मैंने खुद खरीदा, और ये छुटपुट सामान आपको दिख रहा है ना, कुर्सी होगी जैसे विहान की, ये सामान रखने की चीज़ें होगी, और भी जैसे ध्यान के कभी टॉयज खरीदे, ये कुर्सियाँ खरीदी, इवन मैंने अपना किचन भी दोबारा खुद बनाया है सारा, बर्तन से लेके चूल्हा से लेके सब कुछ शुरू से जीरो से मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ दोबारा बनाई है। और ठीक है यार, कम से कम ये है ना कि आज के टाइम में अब मेरी लाइफ में ये पॉइंट है कि चलो अगर मेरे को रोना है ना सनी के लिए तो मैं रो सकती हूँ, लेकिन ये है चलो तसल्ली है कि मेरे सर पे छत है, मैं अपने घर में अपनी छत पे विहान के घर में बैठ के रो सकती हूँ अपने पति के लिए भी। तो इतना मैंने किया है मेहनत करके, लाइट बंद कर दूँ। तो मैं आप सबको ये बात बार बार इसलिए नहीं बताती कि मेरे को खुद के लिए कुछ कहना है कि हाँ निधि को अपनी बड़ाई मारनी है, नहीं मेरे को अपनी बड़ाई नहीं मारनी, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए, मुसीबत आए आप पे, कभी भी आपको लगे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, तो मैं कहती हूँ यार तब भी हो सकता है, बस अपनी हिम्मत मत हारो। और अगर आपको लगता है ना कि आप एक गली नहीं चल सकते, मतलब कि कहने का मेरा मतलब है कि आपको लग रहा है कि आप ना भाग नहीं सकते, तो आप भागो मत, आप सिर्फ चल लो, नॉर्मल स्पीड में चल लो, लेकिन आप में अगर इतनी भी हिम्मत आपको नहीं लगती आप में है कि आप चल सकते हो, तो मैं कहती हूँ आप मत चलो, आप एक एक कदम आप उठने की कोशिश करो, सिर्फ आप खड़े होने की कोशिश करो अगर आप चल भी नहीं सकते हो। तो इस तरीके से अपने आप को, जब जिस दिन आप खड़े हो जाओगे तो अपने आप एक दिन चलने भी लग जाओगे। तो बस हिम्मत मत हारो, और बस अपनी लगे रहो, अपनी मेहनत करो, बस अपनी मेहनत कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपको जो भी लाइफ में कुछ मिलता है वो आपका भाग्य का, भाग्य कहते हैं उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो हिम्मत मत हारो, और अपना टाइम वेस्ट मत करके अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ करते रहो, बस अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना, चलिए बाय बाय, टेक केयर।